हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सिक्स की हिस्ट्री एसएसटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, जिसका नेम है व्हाट हाउ एंड व्हेन, क्या कैसे कब। तो फोकसिंग ऑन में जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है या इतिहास क्या है। हिस्ट्री रिफर टू द स्टडी ऑफ द पास्ट। जो हिस्ट्री है वो हमारे पास्ट से रिफ़र करती है। इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड आर कंसीडर्ड टू फॉर्म आवर पास्ट। दिस इवेंट कैन बी एज रिसेंट एज जस्ट अ डे बिफोर एंड कैन ऑल्सो बी एज ओल्ड एज टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। अगर हमारे साथ कोई भी ऐसा इवेंट होता है, ईच ऑफ अस हैज़ अ हिस्ट्री एज ईच ऑफ अस हैज़ अ पास्ट। यानी कि हर किसी का अपनी हिस्ट्री होती है, अपना अतीत होता है, सबका अपना अपना पास्ट होता है। हिस्ट्री इज़ अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। द स्टडी ऑफ द पास्ट टेल अस हाउ पीपल हैव लिव्ड ईटन एंड ड्रेस्ड सिंस टाइम्स इमेमोरियल। मोर इम्पोर्टेंटली इट गिव्स अस अ चांस टू लर्न अबाउट आवर सेल्फ, वेयर वी केम फ्रॉम एंड वाई वी इवॉल्व द वे वी डिड। यानी कि जो हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि पहले जो मानव थे, प्यूपिल थे, लोग थे, वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इट गिव्स अस अ चांस लर्न अबाउट आवर सेल्फ। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें चांस मिला अपने आप के बारे में जानने के लिए कि पहले जो मानव था वो कैसा था और अब कैसा है। हिस्ट्री टेल अस द स्टोरी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड सिविलाइजेशन। हिस्ट्री जो है वो हमें बताती है कि मानव धीरे धीरे कैसे ग्रोथ हुई, कैसे वृद्धि हुई, और पहले जो मानव असभ्य था, अनसिविलाइज था, वो धीरे धीरे कैसे सभ्य हुआ, कैसे सभ्यता में ढला। इट कैन बी रिगार्डेड एज अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल प्लेस एंड इवेंट ऑफ द पास्ट। जो हमारा प्लेस है, जो पास्ट की पीपल हैं, प्लेस एंड इवेंट, इन सब का हमें रिकॉर्ड हिस्ट्री में मिलता है। दीज रिकॉर्ड्स आर अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हिस्ट्री दस मेक्स अस अंडरस्टैंड वाई वैन वेयर एंड हाउ सर्टेन इवेंट हैपन। जो हिस्ट्री है वो हमें बताती है, इस लाइक बनाती है कि कब, क्यों, क्या, कैसे, क्या हुआ, कौन से इवेंट कब हैपन हुए, कब क्या हुआ। वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। इट इज़ थ्रू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री दैट वन गेट टू नो अबाउट वंस पास्ट एंड ऑल्सो कल्चर हेरिटेज ऑफ वंस ओन कंट्री। हिस्ट्री हमारा इतिहास ही है जिससे हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं और हमारी जो कंट्री है उसका कल्चर कैसा था, पहले कैसा था और अब कैसा है। वी ऑल्सो गेट टू नो अबाउट डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। जो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी, जो लोक विविधता थी हमारे देश में, उसके बारे में भी हमें हिस्ट्री से पता चलता है। डिफरेंट कस्टम एंड, उसके बाद आप लोग जो पेज है उसका बगल में ऐसे दिया हुआ है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इधर से पढ़ेंगे, पहले इस साइड का पढ़ेंगे फिर इस साइड का पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है डिफरेंट कस्टम एंड ट्रेडिशन फॉलो बाय डिफरेंट पीपल इंक्लूडिंग फेस्टिवल, डांस फॉर्म्स, म्यूजिकल स्टाइल, आर्ट एंड क्राफ्ट एट्सेट्रा। जो अलग अलग हमारी कस्टम होती थी, ट्रेडिशन, परंपराएं और लोग, डिफरेंट टाइप के लोग, फेस्टिवल, डांस और उनका जो म्यूजिक स्टाइल था वो कैसा था, उनकी आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग वगैरह, सब के बारे में हमें हिस्ट्री से ही पता चलेगा। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज बेस्ट स्टडी इन हिस्ट्री। जो ह्यूमन सोसाइटी की, ह्यूमन बींग्स की जो ग्रोथ थी और डेवलपमेंट था, वृद्धि और विकास था, वो सबसे बेस्ट स्टडी है इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे अच्छा अध्याय है या स्टडी है। द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी ओवर द ईयर इज़ अ बिग पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। जो इतिहास का सबसे बिग पार्ट है हिस्ट्री का, वो है फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। यानी कि धीरे धीरे कैसे एवोल्यूशन हुआ हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी पहले कैसे वीक थी, फिर उसमें डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे। एज वी हैव सीन अबव, हिस्ट्री नॉट ओनली टेल अस अबाउट द पास्ट इवेंट बट इज ऑल्सो हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट वॉज द कॉज फॉर एनी पर्टिकुलर इवेंट।
हिस्ट्री मेक अस रियलाइज दैट द इवेंट ऑफ द पास्ट हैव देयर इम्पैक्ट बोथ ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो हमारी हिस्ट्री है वो हमें ये समझने के लायक भी बनाती है कि हमारा पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा होगा और फ्यूचर, उसका हम लोग हिस्ट्री से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो हिस्ट्री है वो हमारी ह्यूमन बीइंग की किसी ना किसी तरह से लिंक होती है। नीचे लिखा हुआ है, दस हिस्ट्री इज़ लिंक टू एवरी ह्यूमन बीइंग इन वन वे और दी अदर। किसी ना किसी तरह से हिस्ट्री, एक दूसरे की हिस्ट्री या फिर हमारे पास्ट से, और जो हिस्ट्री है हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर से लिंक होती है। आवर वे ऑफ लाइफ, व्हाट वी ईट, व्हाट वी बियर, द लैंग्वेज वी स्पीक एंड इवन द प्लेस वी लिव इन आर कनेक्टेड टू आवर पास्ट एंड सो टू हिस्ट्री। जो हमारा रहने का तरीका है, खाने का तरीका, बोलने का तरीका, कैसे हम खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, वो सब हमारा हमारे पास्ट से कनेक्ट है, लिंक है, जुड़ा हुआ है। इन हिस्ट्री वी कैन फाइंड आंसर टू क्वेश्चन लाइक व्हाई इंडिया वॉज पार्टीशन, हाउ के हिस्ट्री से ही हमें पता चलता है कि क्यों हमारे जो देश था उसका विभाजन हुआ, और हम लोग कैसे जो गुलाब जामुन और कबाब था वो हमारे खाने के मेनू में आया। वी हैव थस सीन मैनी रीजन, वी हैव थस सीन मैनी रीजन वाई द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट। यानी कि हम इसके लिए बहुत सारे, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि हिस्ट्री, इतिहास हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। नेवरदलेस वी कैन सेफली से दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न लाइज इन फैक्ट दैट इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड मेक अस अंडरस्टैंड आवर रूट्स एंड इम्पोर्टेंट events of our life. So it can be argued that history link us to our past. यानी कि बहुत सारे reason हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हमारे लिए ये बताता है कि history हमारे लिए कैसे important है, हमारे जीवन को समझने के लिए, our self understanding our self, अपने आप को समझने के लिए। और ये भी important है कि किस तरीके से जो हमारा present है वो हमारे past से जुड़ा हुआ है, उसकी जो roots हैं, उसकी जो जड़ें हैं वो हमारे पास्ट से ही लिंक हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है, वो किसी ना किसी तरीके से हमसे जुड़ा हुआ है। हाउ डू वी स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ें। हिस्टोरियन प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द स्टडी ऑफ द पास्ट। जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, वो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए या हमारे पास्ट को बताने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। दे आर द स्कॉलर हु स्टडी एंड राइट अबाउट द पास्ट फॉर एन ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट। हिस्टोरियन हैव ब्रॉडली डिवाइड द पास्ट इनटू टू पीरियड्स। जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, उन्होंने इतिहास को दो भागों में बांटा, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, प्राग इतिहास और इतिहास। प्री हिस्ट्री रिफर टू द पीरियड बिफोर ह्यूमन बींग्स लर्न टू रीड एंड राइट। प्री हिस्ट्री जो पीरियड था, समय था, वो जब ह्यूमन बींग्स था, जब लिख नहीं पाता था और पढ़ नहीं पाता था, उसके पहले का समय था प्री हिस्ट्री। दस फॉर दिस पीरियड नो रिटन रिकॉर्ड्स। इसमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं था, कोई भी लिखित सबूत नहीं था, कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं था। ऑन द अदर हैंड देयर आर रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल फॉर द पीरियड रिफर्ड टू एज हिस्ट्री। बट जो हिस्ट्री पीरियड था, यानी कि ऐतिहासिक काल था, उसमें हमें लिखित रूप से रिकॉर्ड्स मिलते हैं। हैंस द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज टर्म एज हिस्ट्री। जो राइटिंग यानी कि लिखित रूप से जो आविष्कार था वो हिस्ट्री से, इतिहास से जुड़ा हुआ था। जो हमें इतिहासकार थे, जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें खोजी जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि जो हमारा पास्ट है वो लिंक है। सोर्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के स्रोत। सोर्स ऑफ हिस्ट्री रेफर टू द मटेरियल विच आर यूज्ड बाय हिस्टोरियन इन द इंटरप्रेशन ऑफ हिस्ट्री। जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री थे, वो हिस्टोरियन जो इतिहासकार थे, उनके द्वारा यूज़ किए गए, उपयोग किए गए ऐसे स्रोत थे
जिन उन्होंने हिस्ट्री की व्याख्या इंटरप्रेट करने के लिए, इतिहास को इंटरप्रेट करने के लिए उनका यूज़ किया। देयर आर टू मेन टाइप, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स, यानी कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो इधर हम लोग देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल ऑल्सो स्टडी द पास्ट बट इट इज़ बेस्ड प्राइमरली ऑन द मटेरियल लेफ्ट बाय पीपल लॉन्ग एगो। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो पास्ट की स्टडी करते हैं, लेकिन उनका जो मेन वो होता है, जो मटेरियल, जैसे पीपल होते हैं जो बहुत पहले जो लोग जो अवशेष छूट जाते हैं उनके बारे में वो स्टडी करते हैं। सिंस दीज मटेरियल एग्जिस्टेड लॉन्ग एगो, जो बहुत पहले से जो मटेरियल मौजूद रहता है उनके बारे में वो बताते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड वरी डीप अंडर द अर्थ। एन आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेबेट्स एंड स्टडी दीज रिमेन्स, यानी कि जो अवशेष होते हैं उनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविद स्टडी करते हैं। विद द एक्सकेवेटेड सोर्स, जो अवशेष होते हैं या खुदाई से मिले एक्सकेवेटेड सोर्स, यानी कि खुदाई से मिले जो स्रोत होते हैं, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। विद द एक्सकेवेटेड सोर्स आर्कियोलॉजिस्ट देन ट्राई टू बिल्ड अ पिक्चर ऑफ हाउ द पीपल माइट हैव लिव्ड इन द पर्टिकुलर पीरियड। आर्कियोलॉजिस्ट्स टेल अस स्टोरी ऑफ द पीपल हु लिव इन द पास्ट एंड गिव अस अ ग्लिम्पस इनटू देयर लाइव्स। जो आर्कियोलॉजी होती है वो पीपल की स्टडी ऑफ पास्ट के बारे में बताती है कि पहले मानव कैसे रहता था। फॉर द पीरियड रिफर्ड टू एज प्री हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर द ओनली सोर्स विथ विच टू स्टडी द पास्ट एज नो रिटन सोर्स एग्जिस्ट। जो प्री हिस्ट्री पीरियड था तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर द ओनली सोर्स, ऐसा आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही है, पुरातात्विक जो सोर्स होते थे उनसे ही हमें प्री हिस्ट्री के बारे में पता चलता था, क्योंकि उनका कोई रिटन एग्जिट वो नहीं था, रिकॉर्ड्स नहीं था। दिस सोर्स ऑल्सो हेल्प द हिस्टोरियन टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन फाउंड इन रिटन रिकॉर्ड्स। जो हमारे जो सोर्स थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स थे, वो हिस्टोरियन को ये फाउंड करने में मदद करते थे, हेल्प करते थे वेरीफाई करने में इंफॉर्मेशन को, रिटन रिकॉर्ड्स को फाउंड करने में, ढूंढने में। आर्कियोलॉजिकल सोर्स इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, रॉक शेल्टर, केव्स, फॉसिल्स, इंस्क्रिप्शन, ज्वेलरी, बीड्स, पोटरी, कॉइंस, बोन्स एट्सेट्रा। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते थे वो मॉन्यूमेंट्स, रॉक शेल्टर, चट्टाने वगैरह होती थी उनमें जो आवास करते थे पहले के व्यक्ति, केव्स, गुफाएँ, फॉसिल्स, जीवाश्म, इंस्क्रिप्शन, अभिलेख वगैरह, और जो उनकी ज्वेलरी होती थी, उनके आभूषण, ये सब सिक्के और जो पोटरी वोटरी होती थी, पॉट होते थे, मटके वगैरह, और बोन्स, हड्डियाँ, ये सब हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं। ब्यूरियल साइट आर ऑल्सो स्टडी बाई हिस्टोरियन एज दे आर इन इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब हम लोग आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स थे उनको देखेंगे कि क्या है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पहला है हमारा ऑब्जेक्ट। ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हिस्टोरियन कलेक्ट मैनी ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते थे जिनको जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे वो कलेक्ट करते थे। विच विल हेल्प देम इन रिकन्स्ट्रक्टिंग द पास्ट, जो हमारे पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करने में, फिर से कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। दीज इंक्लूड टूल्स, वेपन्स, शेड ऑफ पोट्री, ऑर्नामेंट, कॉइन एट्सेट्रा। इनमें जो इंक्लूड थे वो थे हथियार और जो औजार, स्टोन से जो औजार बनाते थे पहले के मानव, और ऑर्नामेंट्स, उनके जो आभूषण होते थे, सिक्के, ये सब इसमें शामिल हैं। मोर टू नो में लिखा हुआ है द बीसी ऑब्लिक एडी डेटिंग सिस्टम इज नॉट टफ इन द बाइबल, इट वाज नॉट फुली इम्प्लीमेंटेड अंटिल सेवरल सेंचुरीज आफ्टर जीसस डेथ। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है। एज प्रीवियसली मेंशन दीज ऑब्जेक्ट आर द ओनली सोर्स फॉर द पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री। जो ये ऑब्जेक्ट थे वो एक सोर्स थे प्री हिस्ट्री पीरियड का। ऑफ विच नो रिटन रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट, प्री हिस्ट्री में कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं था, मौजूद नहीं था। इन सच केसेस
फॉसिलाइज्ड ह्यूमन एनिमल एंड प्लांट रिमेन ऑल्सो यूज एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हमारा दिया हुआ है पहला इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स, यानी कि जो अभिलेख होते थे, एडिक्ट्स फरमान बोले या आदेश, इनसे रिलेटेड आर्कियोलॉजिकल सोर्स इंस्क्रिप्शन है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग है ब्लू हेडलाइन लिखी हुई है इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स। इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट। जो अभिलेख होते थे वो हमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे हमारे पास्ट को इंटरप्रेट करने में या हमारे अतीत की व्याख्या करने में। इंस्क्रिप्शन आर द रिटन टेक्स्ट विच वर कार्व्ड ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक बॉल्स पिलर टैबलेट्स क्ले स्टोन और मेटल एट्सेट्रा। जो अभिलेख होते थे वो पिलर पे लिखे जाते थे या जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता था कोई, जैसे दीवार हुई, पिलर हुआ, इन सब पे और स्टोन पत्थर इन सब पे लिखे जाते थे अभिलेख। दे आर वैल्यूएबल सोर्स एज दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पीरियड्स इन विच दे वर मेड सच एज द रूलर द डेट्स एंड एक्सेस्टेड देयर ऑफ देयर एम्पायर। जिस भी एम्पायर का शासन होता था वो अपने अपने अभिलेख किसी भी दीवार पे, स्तंभ पे, इन सब पे लिखवाते थे। मैनी ऑफ द इंक्रिप्शन आर स्टिल इंटैक्ट टुडे एट सिंस दे वर रिटन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ रूरल दे आर मोर रिलेबल। बहुत सारे ऐसे अभी भी इंस्क्रिप्शन हैं जो कि अभी हैं, जिनको हम लोग अभिलेख बोलते हैं हिंदी में। दी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी। जो अभिलेखों की स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उसको हम लोग एपिग्राफी बोलते हैं, पुरालेख भी बोलते हैं इसको। एंड अ पर्सन यूजिंग द मेथड ऑफ एपिग्राफी इज नोन एज एपिग्राफर और एपिग्राफिस्ट। जो अभिलेख का अध्ययन करते हैं, इंस्क्रिप्शन करते हैं, या जो पर्सन इस मेथड का यूज़ करते हैं उसको एपिग्राफर बोलते हैं या पुरालेखाकार भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है ओरल हिस्ट्री। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, इसके बाद आपका थोड़ा और पैराग्राफ है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉइन यानी कि सिक्के। तो इसका जो बचा हुआ पैराग्राफ है उसके बारे में पढ़ेंगे। एडिक्ट्स आर द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द रॉयल कमांड विच वर इशूड बाय रूलर्स। जो एडिक्ट्स होते थे वो रिटन रिकॉर्ड्स होते थे, लिखित रूप से रिकॉर्ड्स होते थे, जो भी कमांड रॉयल कमांड्स विच वर इशू बाय रूलर। जो भी रूलर होता था, शासक होता था, उसके द्वारा जो लिखित रिकॉर्ड्स होते थे वो हमारे एडिक्ट्स कहलाते थे या आदेश फरमान इनको बोलते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन द पास्ट। ये हमारे पास्ट के ऊपर एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। द अशोक एडिक्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एडिक्ट्स। जो अशोक का एडिक्ट्स था वो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। दीज एडिक्ट्स विच वर इनस्क्रिप्ट ऑन पिलर एंड रॉक्स हैव हेल्प द हिस्टोरियन इन रिकंस्ट्रक्शन द हिस्ट्री ऑफ द मौर्य पीरियड। जो अशोक के एडिक्ट्स थे वो, यानी कि जो अशोक ने अपने उपदेश दिए, जो उनके फरमान थे, वो लिखित रूप से थे। उन्होंने अशोक ने अपने जो फरमान दिए उनको उन्होंने लिखवाया था पिलर पे, रॉक्स पे, चट्टानों पे, इन सब पे। तो जो एडिक्ट्स होते हैं और जो इंस्क्रिप्शन होते हैं वो भी हमारे पास्ट को बताने के लिए और उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉइन, आर्कियोलॉजिकल सोर्स का ये टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर की जो पार्ट टू है, सेकंड वीडियो है, उसमें पढ़ेंगे। आपका पार्ट वन इधर ही फिनिश होता है। थैंक यू, हैव अ गुड।